चावल खाना तो ना तो बना बना कर देना खत्म है तुमको मुझे कब दिला दिया कोई एक अच्छा कहूँ को यार तो बच्चे ने मुझे स्वाद है एक अच्छा तो नवरात्रि चल रही है नवरात्रि में तो तो नौ दिन आता का तो वैसे मुंह के रहना सामान है सोमवती क्या परेशानी क्या कह रहे हैं परेशानी क्या है एक जना कमाले वाला दस मेंबर घर में क्या खाएंगे छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं परेशानी बहुत आ रही है किराए पे रहते हैं हम कहाँ रहते हो यहीं पे रहते हैं कहाँ के रहने वाले हो वैसे यहीं के रहने वाले हैं हम तो नाम बताओ ना नगला रेवती अच्छा जी बताओ तो तुम आटा बाजार में मिल नहीं रहा नहीं मिल रहा है आज लंबा लगा रहे हैं कल आटा मिलेगा सो भी ढाई किलो ले जाओ एक किलो आटा ले जाओ दस मेंबरों के बीच में क्या हो रहा है 300 रुपए बसेरी दे रहे हैं मतलब पैसे ब्लैक में ले रहे हैं क्या ज्यादा ले रहे हैं ब्लैक भी ले रहे हैं पैसे और फिर भी मिलना नहीं है आटा आपको शायद जानकारी नहीं सरकार ने कुछ नंबर जारी किए हैं उन पे आप फोन करो तो आपके यहाँ होम डिलीवरी होगी ये जानकारी है आपको हाँ क्या कह रहे हैं जानकारी है आपको नहीं है अरे जानकारी के पहले तो आटा मिल ही नहीं रहा है नंबर लगा रहे हैं जब मिल ले आए आटा घर पे नहीं देने आ रहा कोई कोई नहीं आ रहा है देने के लिए आटा मीना कहाँ रहते हो रेवती नगरा अच्छा ये बताओ के क्या कह रहे थे अभी आटा नहीं मिला क्या कह रहे थे क्या परेशानी आपको लंबा लगावाया हमने पड़ोसी के लड़का पे हम तो फड़े नहीं है तो उनने बोला का माल सप्लाई हो गया रहे ही ना है माल मतलब जो सरकार द्वारा जो नंबर जारी किए गए हैं उन पे नंबर लगवाया था आपने हाँ हाँ फिर सामान मिला आपको होम डिलीवरी हुई नहीं मिला क्या कह दिया गया नो कह दी कि सप्लाई होगा माल अब है परा डोले आए और जेठो नहीं तुम्हारे जेठो ले आए और मुल्ला ही प्याऊ जो 3-4 दिन में सबरम डोले चुन न मिलो 3-4 भैंसी भूखी मर रही हैं और 10-12 सदस्य घर में तो कम की कह दिया क्या कह दिया तुमसे आगे की कम की कह दिया कम मिलेगा आपको नो कही के आ जाएगा तो मिल जाएगा नहीं नहीं है तो पैसा कम ले रहे हैं क्या सही ले रहे हैं पैसा 150 बता 10 किलो 300 को दे रहे हैं पहले कितने रुपए का आता था पहले 250 को आए रहो 5 किलो तो कुछ ज्यादा पैसे ले रहे हो हाँ ज्यादा पैसे ले रहे हैं का? मेरा नाम गुड्डी देवी है अच्छा इस समय जो कोरोना से लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसमें किस प्रकार की परेशानी आ रही है इसमें परेशानी आ रही है बाजार बंद है सारा मेरे बच्चे की शादी आ रही है कब की है शादी अब शादी ये 26 अप्रैल की है तो क्या अब, फिर आपने क्या सोचा है शादी आगे बढ़ाएंगे क्या सोच रखा शादी कैसे आगे बढ़ जाएगी मतलब ये इसकी रेट दी है उसी कार्ड वगैरह मेरे घर में आ गए तो शादी तो नहीं बढ़ने की है शादी तो उसी समय पर होगी पर लेकिन ये बाजार बंद है सारा कैसे सामान खरीदेंगे हम कैसे हमारे बच्चे की शादी होगी बताओ तो इस समय लॉकडाउन है तो सामान तो खरीदने का कोई मतलब ही नहीं जब बाजार बंद है तो आप सामान खरीद कहाँ से सकते हो फिर किस प्रकार शादी का आपने बनाया है कि क्या आगे भी तो बढ़ा सकते हो अभी तो समय है आपकी तो आगे कैसे बढ़ जाए जैसे पंडित ने मने कर दी आगे बिया नहीं सूझ रहा है पूजा वूजा बन रही है और साई वगैरह सबको लग गई है तो आगे कैसे बढ़ जाएगी पीरा चिट्टा मेरे घर में आ गया है चावल खाना तो ना मुझे कब दिला दिया कोई एक अच्छा कहूँ को यार तो बच्चे ने मुझे स्वाद है एक अच्छा तो नवरात्रि चल रही है नवरात्रि में तो नवरात्रि में एक अच्छा तो खाना चाहिए तो नौ दिन आता का तो वैसे मुंह के रहना सामान है नवरात्रि में खाने नहीं खाएंगे बच्चे के खाएंगे बच्चे कैसे रह लेंगे भूखे भूखे भाई कैसे कट कर चुके हैं नंबर लगा रहे तुम नंबर देना रहे आप देना रहे
हफ्ते प्रधानमंत्री की अपील पर 21 दिन का लॉकडाउन हो रखा है। थाना मलपरा के कई गांव में लॉकडाउन के चलते काफ़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया है कि उनके घरों में कई दिनों से चूल्हे नहीं जले। थाना मलपरा पुलिस द्वारा होम डिलीवरी के जो नंबर जारी किए गए हैं उन पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता और लोगों को खाने पीने में के सामान के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसी के चलते थाना मलपरा के धनौली कस्बा की महिलाओं ने आगरा जगनी रोड पर जमकर हंगामा मचाया। जब सूचना पाकर SDM सदर गर्मा सिंह पहुंची तो उन्होंने ग्रामीणों को खाने के पैकेट दिए, परंतु महिलाओं का कहना था कि खाने के पैकेट नहीं चाहिए, उनके यहाँ कई दिन से खाना नहीं बना। इसी को लेकर महिलाओं ने हंगामा किया है। ग्रामीणों और SDM सदर के समझाने पर सभी महिलाएं शांत हुई तो उन्होंने कहा कि जो नंबर दिए गए उन पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।